से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उस रोज वहां उन शक्कर घी दूध गेहूं काचू इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की गुरु सामने लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ संसार के सुख सुख होकर वह गुरुधाम को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय सूर्य बोले।